magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. Aditya L1 satellite separated. Process. अंतरिक्ष का सिकंदर फिर जागेगा। आदित्य यान की नई छलांग। महाअभियान अभी जारी है। We have a confirmation of Aditya L1 separation. ये दो तस्वीरें हैं भारत के सूरज की ओर बढ़ रहे आदित्य यान और चांद की जमीन पर आराम कर रहे प्रज्ञान की। अंतरिक्ष में भारत की सबसे लंबी छलांग दुनिया देख रही है और जान भी रही है कि भारत कैसे विश्व गुरु बनने की राह पर लंबी छलांग लगा रहा है। और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अंतरिक्ष की दुनिया में पिछले 24 घंटे में भारत ही चर्चा में है। दरअसल चांद की धरती पर पहुंचे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना मिशन समय से पहले और बेहद ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। रोवर प्रज्ञान को इसरो ने जो टास्क 14 दिन के लिए दिया था उसे उसने महज 11 दिन में ही पूरा कर लिया। आपको बता दें कि चांद पर शाम होने से पहले यानी सूरज ढलने से ठीक 3 दिन पहले ही प्रज्ञान ने भारत की धरती से भेजे गए मिशन को पूरा कर लिया है। इसरो ने जानकारी दी है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। प्रज्ञान ने जिस खूबी के साथ अपने काम को अंजाम दिया उससे देश को एक बार फिर उम्मीद जगी है कि 22 सितंबर को जैसे ही एक बार फिर चांद की सतह पर सूरज की तपिश प्रज्ञान को मिलेगी ये फिर जागेगा। आपको बता दें कि इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। यहां ये बात जानना भी जरूरी है कि हमारा प्रज्ञान और विक्रम सूरज की रोशनी में काम करते हैं और पृथ्वी के अगले 3 दिन बाद चांद पर घोर अंधेरा भी छा जाएगा, लेकिन वैज्ञानिकों को प्रज्ञान पर पूरा भरोसा है। इसलिए प्रज्ञान में कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन रखा गया है, साथ ही सोने से पहले इसकी बैटरी को पूरी तरह से चार्ज किया गया है। इसके अलावा पहले ही संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए बॉम्ब इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स मौजूद है। ये बॉक्स सभी जरूरी उपकरणों को भीषण सर्दी से बचाने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें मौजूद 50 वॉट तक की ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले सोलर पैनल सवेरा होते ही फिर से बिजली पैदा करने लगेंगे। यही नहीं, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी लगातार अपनी जगह पर मौजूद है। हालांकि चंद्रदूत प्रज्ञान और वीर विक्रम को इस ठिठुरती सर्दी में हर मुश्किल का सामना खुद ही करना होगा। इस दौरान यहां तापमान -238 डिग्री तक नीचे गिर जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान गुप्त अंधेरे में निष्क्रिय हो सकते हैं। लैंडर में लगी बैटरियों में कुछ समय तक अंधेरे से निपटने की क्षमता है। हालांकि क्षमता इतनी ज्यादा नहीं कि -238 डिग्री सेल्सियस तापमान में लैंडर को फंक्शनल रखा जा सके। खास बात यह है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम अब हमेशा चांद पर ही घर बसाएंगे, यानी इन्हें अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। अब बात वीर आदित्य यान L1 की, जिसने आज अगली छलांग 11:40 पर लगा दी। सूरज की ओर आसमान चीरते हुए आदित्य यान L1 को लेकर इसरो ने अपडेट दिया है कि सैटेलाइट स्वस्थ है, काम कर रहा है। पहला अर्थ बाउंड कक्षा बढ़ाने के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अब इसकी कक्षा को बढ़ाकर 245×22,459 किलोमीटर कर दिया गया है। अब अगले ऑपरेशन को 5 सितंबर को अंजाम दिया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और 5 बार थ्रस्टर फायर पर ऑर्बिट बढ़ाएगा और इसके बाद 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्वेटरी इस पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। फायरिंग के जरिए आदित्य को L1 पॉइंट के ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन और जापान अंतरिक्ष के आका के तौर पर दुनिया में अपनी शक्ति का लोहा मनवाते आ रहे थे, लेकिन इसरो ने अंतरिक्ष में वो छलांग लगाई है जिसकी कल्पना इनमें से किसी ने भी नहीं की थी।
अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भारत के इसरो के साथ कई मिशन में काम करने का इच्छुक है। वहीं रूस के लूना 25 के फेल होने के बाद वो निराश है, जबकि चीन भी एक बार फिर अंतरिक्ष अभियान को तेज करने को विवश हो रहा है। जापान को अपने चंद्र अभियान पर बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है। जाहिर है इसरो ने देश को अंतरिक्ष की दुनिया में सिकंदर बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी G20 में विदेशी मेहमानों का स्वागत भारत की अंतरिक्ष में अपार सफलता के बाद और जोश से करेंगे। Z News.